बाबर शाहीन के झगड़े की खबर तो सबने देखी, लेकिन वजह थी बड़ी जिसकी हुई थी अनदेखी। भारत पाक मैच के बीच हुई थी इसकी तामील, एक और अहम खिलाड़ी था इसमें शामिल। हम इसकी सच्चाई को करेंगे डिकोड भारत पॉजिटिव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान क्रिकेट इन दिनों काफी चर्चा में, पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम की खबर मीडिया में छाई रही। पाक कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी के बीच अनबन की खबर सुर्खियों में रही, लेकिन आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जाहिर है बाबर और शाहीन के बीच जो कुछ भी हुआ इसकी नींव तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के दौरान दी ही जा चुकी थी। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों ड्रेसिंग रूम में बाबर और शाहीन एक दूसरे से भिड़ गए। आखिर बाबर का पारा इतना गर्म क्यों हो गया कि वो शाहीन के टोकने भर से अपना आपा खो बैठे। दरअसल इस सवाल के हम तह तक गए और हमने जो अपनी खोजबीन में पाया वो हैरान करने वाला था, जिसके बाद से अगर हम इन दोनों के बीच की लड़ाई को डिकोड करने की कोशिश करते तो काफी हद तक इस अनबन की सच्चाई का पता चलता है। आज हम आपके सामने उस सच से पर्दा उठाएंगे जो काफी कम लोगों को पता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सच्चाई की तह तक आज हम आपको ले जाएंगे और आपको सच से रूबरू कराएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला है कि शाहीन को दूसरों का मजाक उड़ाने में काफी मजा आता है। वो अक्सर ही बीच में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ कमेंट करके चले जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों पर इसका क्या असर होगा। जाहिर है उनकी इसी आदत ने पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में बाबर को उस मुहाने पर खड़ा कर दिया कि वो भड़क गए। फिर तो दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अंदर खाने क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। हमें मिली खबरों के मुताबिक इस झगड़े की नींव उस वक्त पड़ी जब एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत चल रही थी। बारिश से मैच भी रुका था। ये बात 10 सितंबर की है। एशिया कप में सुपर फोर के मुकाबले चल रहे थे। खबरों के मुताबिक अगर कहा जाए तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाफरीदी इन सब के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। अब हम आपको 10 सितंबर को जो पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में हुआ उसका सच बताते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बारिश की वजह से खेल रुका तो दोनों ही टीमें अपने अपने ड्रेसिंग रूम में थी। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में बारिश के बाद जो भी खेल में बदलाव होगा इसकी जानकारी को लेकर अंपायर दाखिल होते हैं। वो पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से इस बाबत बात कर रहे थे। खबरों के मुताबिक रिजवान के साथ पाकिस्तानी बैट्समैन इफ्तिकार अहमद भी वहां मौजूद थे। वो भी अंपायर की बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे। इसी दौरान वहां से शाहीन अफरीदी गुजरते और वो मजाक में ही इफ्तिकार को कुछ ऐसा कह देते जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंच जाती है। वो इफ्तिकार की बेइज्जती करते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि रिजवान से तो अंपायर बात कर ही रहे हैं, फिर इफ्तिकार इतना गौर से उन बातों को क्यों सुन रहे हैं जो उनके मतलब की नहीं है। जाहिर है इफ्तिकार से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भी शाहीन को खरी खोटी सुना दी। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि रिजवान और कप्तान बाबर को बीच बचाव करना पड़ा। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इस घटना के बाद करीब 3 से 4 दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। बस फिर क्या था, बाबर को शाहीन का ये अंदाज पसंद नहीं आया, और ये सही भी है। दूसरों को जलील करने की शाहीन की आदत भी कहीं से ठीक नहीं थी। वहीं बीच में टोकने की आदत भी कईयों को पसंद नहीं आती है। यहीं से कड़वाहट की नींव तो पड़ ही चुकी थी। फिर वो भी समय आया जब पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से मुकाबला हार कर एशिया कप से बाहर हो गई। इसके बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में बाबर जब खिलाड़ियों की क्लास लगा रहे थे, इसी बीच शाहीन बोल पड़ते हैं। उसके बाद की कहानी तो लाजमी तौर पर आप सबको पता होगी। दोनों के बीच फिर से तीखी बहस होती और दूसरे खिलाड़ियों के बीच बचाव करने के बाद ही मामला शांत होता है। लेकिन अगर हम इस कहानी की तह में जाएं तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस मुकाबले के दौरान ही इसकी नींव पड़ गई थी, और बाद में ड्रेसिंग रूम की तनातनी के बाद ये खबर जग जाहिर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।